थर्मिट अभिक्रिया क्या है आइए समझते हैं। यह एक विस्थापन तथा अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया में हमें विस्थापन देखने को मिलता है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए थर्मिट अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है और साथ ही साथ अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आयरन थ्री ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया एक थर्मिट अभिक्रिया है। आयरन थ्री ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 इसके साथ जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है तो यह एक थर्मिट अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए आयरन ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो देखिए इसको विस्थापित कर दिया आयरन को, और यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बन चुका है और ऊष्मा जो बहुत ज़्यादा इसमें निकलता है। थर्मिट अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने की वजह से जो धातु प्राप्त होता है वो एकदम गलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। अब समझते हैं थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग। तो देखिए रेल की पटरी को जोड़ने में थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग होता है, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में भी थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग होता है। अब समझते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। जो धातुएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर में आते हैं वो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को जो होता है वो विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के, जब वो क्लोराइड के रूप में गलित रहता है तो उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। और जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, तथा एनोड पर क्लोरीन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार होती है, देखिए कैथोड पर क्या होता है, अगर सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर देखिए सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बन गया सोडियम परमाणु। एनोड पर क्या होता है, तो क्लोराइड आयन, क्लोरीन गैस और इलेक्ट्रॉन, देखिए इस तरह से चेंज होता है। अब समझते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, टीन, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का जो परिष्करण जो होता है वो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, यहाँ पर अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है तथा शुद्ध धातु की जो पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग, यहाँ पर जो लवण विलयन है वो धातु का है, तो धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से जब इससे विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित, यहाँ जो एनोड है, एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। यहाँ पर जो अशुद्ध धातु है यहाँ पर घुल जाती है, विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा शुद्ध धातु यहाँ से विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु यहाँ पर जमा होते हैं, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में, अगर कोई घुलने वाला अशुद्धियाँ हैं तो इस विलयन में आ जाता है, तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड के नीचे,
एनोड के देखिए नीचे तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। देखो पर लिखा है एनोड पंख कहते हैं, ये अपद्रव्य भी कहेंगे।